बेटी को मारने की धमकी देकर मामा भांजी से कर रहा था वैश्याव्रति। आरोपी के चंगुल से छूटी महिला ने अपनी बच्ची के साथ एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां अपनी बच्ची के साथ पहुंची एक महिला ने अपने मामा पर जबरदस्ती वैश्याव्रति कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से अपनी और अपनी बेटी की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि वह पुरानी शिवपुरी स्थित रेड लाइट एरिया की रहने वाली है, जहां बेटी को मारने और बेचने की धमकी देकर उसके मामा द्वारा उससे पिछले 7 सालों से जबरदस्ती वैश्याव्रति करवाई जा रही है। महिला ने बताया कि मेरे विरोध करने पर मेरा मामा समीर सेंगर व पूरे परिवार मुझे मारते थे और मुझे समीर जान से मारने की कोशिश की है। वह मेरी बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र व सारे डॉक्यूमेंट पर अपना नाम लिखवाकर मुझसे दूर रखा और अपना बताने लगे, मुझसे वैश्याव्रति का काम करवाया। मेरे विरोध करने पर मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकियां व बेचने की बात करता था। जैसे ही मुझे जानकारी लगी मेरी बच्ची को कुछ दिनों में बेचा जा रहा है, मौका देखकर मैं अपनी बच्ची को लेकर वहां से भाग कर आई हूं। महिला ने पुलिस अधीक्षक से अपनी और अपनी बेटी की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज एसपी ऑफिस आए हो आप, क्या मामला लेके आए? सर मैं यही मामला लेके आई हूँ, मेरे साथ 7 साल तक वेश्यागर्दी जबरदस्ती करवाई गई। समीर नाम का आदमी था और पूरा परिवार लोग उनने मेरे साथ वेश्यागर्दी जबरदस्ती करवाई गई और मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई। मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने की कोशिश की समीर ने, और वो पूरा परिवार उनका साथ देता था। समीर कौन है? मेरी बच्ची, समीर मेरे मामा लगते हैं। और मेरी बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाणीकरण उसने अपने नाम पे करवा लिए हैं समीर ने, और मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा गया और अभी अपनी बच्ची बता रहा है वो। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर, शादी तो हो चुकी है मेरी, पर मैं वेश्यागर्दी हूँ, मैं रेड लाइट एरिया में रहती हूँ। वो मुझसे जबरदस्ती वेश्यागर्दी करवाता था। 7 साल से लगातार? 7 साल से लगातार मेरे साथ वो ही कर रहा है, वेश्यागर्दी करवाता था और मुझे धमकियाँ देता था मेरी लड़की को जान से मारने की, उसे बेचने की कहता था मुझे, अगर मैं ये काम नहीं करती तो फिर मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ता था। कौन? समीर। समीर कहाँ रहता है? समीर, समीर एसपीएस स्कूल के सामने ही रहता है। एसपीएस स्कूल? हाँ सर। आप अब कहाँ रहते हो? मैं सर अपनी भाग के गई हूँ, मेरी बच्ची को बेचने के लिए लेके जा रहा था, मैंने मना कर दिया ये काम करने के लिए, मुझे नहीं करना। मेरी बच्ची को बेचने के लिए लेके जा रहा था तो मैं लेके भागी उसको आधी रात। आप उसी के साथ रहती थी? पूरे घर के साथ रहती थी, और मेरी माँ थी, उसे कैंसर था पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी, अभी वो खत्म हो गई है। भाग के कहाँ गई थी आप? भाग के मैं बॉम्बे गई थी। तो वहाँ से कैसे आई फिर? वहाँ पे मैं स्टेशनों पे सोई हूँ सर, सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, फिर मैंने इनसे मदद मांगी, फिर इनने मेरी मदद की। तो आप आज यहाँ पे एसपी ऑफिस आई हो तो क्या करने के लिए, कैसे, क्या आवेदन है आपका, क्या चाहती हो आप? मैं एसपी साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरा यही निवेदन है कि मेरी बच्ची मुझे चाहिए और मुझे ये काम नहीं करना, और जिसने मेरे साथ ये किया है उनका वो करना है मुझे।